स्वागत है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूं आप लोग के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। दोस्तों अब 17 राज्यों में भगवा रंग, मतलब बीजेपी की सरकार अब 17 राज्यों में पूरे इंडिया के मैप पे आ गया है। आज से दोस्तों आज विधानसभा के 4 राज्यों का रिजल्ट था, जिसमें कि 3 राज्य बीजेपी ने क्लियर अपने दम पे जीत लिया है और 4th राज्य तेलंगाना जो कि कांग्रेस की झोली में गया है। कांग्रेस को बधाई और बीजेपी को 3 राज्य जीतने के लिए। दोस्तों एक 5 राज्य का चुनाव था जिसमें कि मिजोरम का मतगणना आज नहीं हो पाया है, वो आगे कल होगा। तो दोस्तों उस पर भी वीडियो लेके आएंगे और सारा डिटेल्स बताऊंगा दोस्तों 3 राज्यों में क्या है मामला, कैसे बीजेपी ने कहाँ कहाँ कितना जीता। दोस्तों बने रहिए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जैसा कि मैंने बताया कि 17 राज्यों में अब भगवा दिखेगा आपको बीजेपी। कुछ ही घंटों में देश की सियासी नक्शा बदल गया है। सुबह दोस्तों 15 राज्यों में बीजेपी या उसके सहयोगियों की सरकार थी, लेकिन राजस्थान छत्तीसगढ़ में वापसी के साथ ही 17 राज्यों की सत्ता बीजेपी में आ गई है। 2014 से 2023 तक कैसे बढ़ा बीजेपी का ग्राफ दोस्तों, वो तो आप लोगों ने देखा ही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों ही जगह अब बीजेपी की सरकार होगी। तीनों ही राज्यों में बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों में 164 सीट पर आगे चल रही है बीजेपी। पहले 2013 के चुनाव में बीजेपी ने 165 सीट जीती थी, वहीं राजस्थान में बीजेपी 117 सीट जीतती दिख रही है। छत्तीसगढ़ में भी पार्टी 90 में से 56 सीटें जीतती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में भी क्लियर मेजोरिटी आ रही है। हिंदी पट्टी के ये तीनों ही राज्य काफ़ी अहम हैं क्योंकि इस राज्य में लोकसभा की 65 सीटें आती है। इन राज्यों में जीत के साथ ही बीजेपी के अब 17 राज्यों में से तो महत्वपूर्ण जो ये 3 राज्य थे, ये तीनों ही बीजेपी के कब्जे में आ गई है। अब अगर देश की सियासी नक्शा देखें तो अब देश में 58% क्षेत्र और 57% आबादी पर बीजेपी का शासन है। दिसंबर 2014 तक 53% क्षेत्रफल और 40% आबादी पर बीजेपी का राज था। 2014 से 2023 तक बदल गया पूरा मामला। दिसंबर 2017 तक बीजेपी का शासन 78% क्षेत्रफल और 69% आबादी पर थी, लेकिन उसके बाद थोड़ी गिरावट आई, फिर अब रिकवरी फिर से चालू है क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव काफ़ी अहम है। नरेंद्र मोदी के ही एक तरीके से कह सकते हैं कि नाम पे ये चुनाव तीनों ही जीता गया क्योंकि कोई भी वहाँ मुख्यमंत्री के कैंडिडेट अनाउंस नहीं थे पहले से। अब दोस्तों बात करते हैं विधानसभा चुनाव के मध्य प्रदेश के रिजल्ट के। आप ग्राफिक में देख सकते हैं कि 165 पे अभी भी आगे चल रही है बीजेपी और 64 पे कांग्रेस अटकती नजर आई है। अन्य को एक ही सीट है। तो दोस्तों वहीं अगर बात करें विधानसभा चुनाव की राजस्थान की, राजस्थान में भी 116 सीट पर क्लियर मेजोरिटी में नजर आ रही है बीजेपी, जहां की 100 सीट पर ही सरकार बना सकती है। वह यहां पे भी 68 पे कांग्रेस पार्टी अटकती नजर आ रही है। दर को 15 सीट यहां पर मिलता नजर आ रहा है। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजोरिटी 55 के साथ आगे, जहाँ की 46 में सरकार बना सकती है और 35 पर अटक गई है कांग्रेस। अदर को यहाँ कोई सीट मिलता नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगर बात करें तेलंगाना, तेलंगाना में कांग्रेस का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है और यहाँ सरकार में वो वापसी कर रही है। BRS यहाँ नुकसान में है, 39 सीट पे आगे है। 64 सीट पे बीजेपी, जो कि क्लियर मेजोरिटी 60 के ऊपर नजर आ रही है। बीजेपी यहाँ काफ़ी नीचे है 8 पे, पर इनका प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा रहा है पहले के हिसाब से। अदर की बात करें तो यहाँ अदर भी 8 सीट के साथ नजर आ रही है। दोस्तों अभी तक का यही है रुझान, लगता है 7-8 बजे तक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी, पर बीजेपी तीनों ही राज्य जीतने में कामयाब होगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आगे है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा रिपोर्ट जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली तक, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। नमस्कार।